हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन एंड लर्न विद किड्स। आज मैं आपके साथ नंबर सिखाने की एक्टिविटी शेयर करने वाली हूँ। सबसे इजी वेज होते हैं बुक्स, बट मैक्सिमम बच्चे बुक्स देख के भाग जाते हैं, और 3 to 5 ईयर्स के बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू अच्छे से सिखाया जा सकता है। मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपके पास कोई न्यू आइडियाज़ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सबके साथ शेयर करूँगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज मैं नंबर सिखाने की एक बहुत अच्छी एक्टिविटी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको कलरफुल पेपर की स्ट्रिप्स लेनी है और उसे सिंपली ऐसे टनल बनाने हैं। सारे टनल्स को आप रैंडमली सेलो टेप से स्टिक कर दीजिए और हर टनल के सामने एक नंबर लिखना है। स्टार्टिंग में आप नंबर्स थोड़ा सिक्वेंस में लिखिए जैसे मैंने लिखा है, फिर आप रैंडमली ऊपर नीचे लिख सकते हैं। बच्चों को एक थ्रेड देना है ये इस तरह से, और उन्हें नंबर के सीक्वेंस में हर टनल से वो थ्रेड निकालना है। इससे आप बच्चों को नंबर्स का सीक्वेंस सिखा सकते हैं और उन्हें नंबर रिकॉग्नाइज करना भी आता है। ओरली नंबर सिखाना इजी है, बट वही नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना इजी टास्क नहीं होता है बच्चों के लिए। वेरी गुड, इस तरह से समहरा ने उसका टास्क कंप्लीट किया है। आप ज़रूर अपने बच्चों के साथ खेल के देखिए, वो बहुत एंजॉय करेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है काउंटिंग फन। इसके लिए आपको सिंपल पेंसिल या कलर पेन से इस तरह से बेसिक ट्रेन ड्रॉ करनी है, उसको स्क्वायर बॉक्सेस बनाने हैं जैसे ट्रेन के कोचेस होते हैं। ओके, फिर आप बच्चों को रैंडमली कलरफुल लेगो ब्लॉक्स दे सकते हैं और जो नंबर ट्रेन के आगे लिखा हुआ है उस नंबर को फॉलो करके उनको उतने लेगो ब्लॉक्स वहाँ पे काउंट करके लगाने हैं। इस तरह की बेसिक एक्टिविटी से उनका काउंटिंग इम्प्रूव होता है। आप बुक्स में काउंटिंग करने के लिए बोलो तो वो मना कर देते हैं, बट ऐसे एक्टिविटीज़ वो बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ होगी। जो नंबर्स आपको सिखाने हैं बच्चों को वो रैंडमली लिखे टेबल पे इस तरह से, और उसके सामने एक बॉक्स ड्रॉ करना है। फिर आपको उन्हीं नंबर के चिट्स बनानी है और बच्चों को देनी है। बच्चों को एक एक चिट ओपन करनी है और नंबर रीड करना है, उसे फाइंड आउट करके चिट को वहाँ पे प्लेस करना है। दिखने के लिए बहुत सिंपल टास्क है, बट उतना ही यूजफुल है। इस एक्टिविटी से बच्चों का नंबर रीडिंग और रिकॉग्नाइजेशन डेवलप होता है। यस, वेरी गुड जॉब समायरा, यू फिनिश्ड योर एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी काउंटिंग एंड कलर कोऑर्डिनेशन की है। इसके लिए आपको बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं फ्लोर पे और हर बॉक्स के नीचे नंबर लिखना है। कोई भी एक कलर का लेगो ब्लॉक प्लेस करना है उस बॉक्स में, फिर एक प्लेट में सारे लेगो ब्लॉक्स मिक्स करके देने हैं बच्चों को इस तरह से। बच्चों को नंबर देख के उस पर्टिकुलर कलर के ब्लॉक्स फाइंड आउट करने हैं और उतने फ्लोर का टॉवर बनाना है। इस तरह से ज्वाइन करके उनको टॉवर बनाना है और वहाँ पे प्लेस करना है। इस एक्टिविटी से मल्टीपल चीज़ें एक साथ होती है, नंबर रिकॉग्नाइज करना, काउंटिंग करना और प्रॉपर कलर के ब्लॉक्स फाइंड आउट करना। ब्लॉक्स को ज्वाइन करके टॉवर बनाने से उनका क्रॉस मोटर स्केल भी डेवलप होता है। इस तरह से समयरा बना रही है, एक एक टॉवर बना के वहाँ पे प्लेस कर रही है। आपको आप चाहे तो नंबर्स ज़्यादा भी लिख सकते हैं। वेरी गुड जॉब समयरा। हमारी लास्ट एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपको पेपर पे सारे नंबर्स लिखने हैं रैंडमली, 11 टू 20 जैसे मैंने लिखे हैं, और नीचे में कुछ नंबर्स के आगे कलरफुल सर्कल्स बनाने हैं। उसी कलर के स्केच पेन्स आपको बच्चों को देनी है करने के लिए। ओके, हेलो समयरा। ओके, स्टार्ट द एक्टिविटी। बच्चों को उसी पर्टिकुलर कलर की स्केच पेन सिलेक्ट करनी है, और जैसे यहाँ पे 11 नंबर के आगे ब्लू कलर दिया था तो उसने ब्लू कलर की स्केच पेन सिलेक्ट करके जहाँ जहाँ पर 11 नंबर है वहाँ वहाँ पर उसने सर्कल किया है। लाइक रेड कलर के स्केच पेन से वो अभी 13 नंबर को सर्कल कर रही है। इस तरह से बच्चों को सारे नंबर्स कवर करने हैं। इससे बच्चों का नंबर को रिकॉग्नाइज करना और इवन कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत अच्छे से डेवलप होता है। आप कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए सारे नंबर्स भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।